तो और शिनोबिस कैसे हो? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो गाइज मैंने अब कर लिया इस चैनल पे टेक ओवर, सो आज से आपको इस चैनल पे मेरे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है? तो यार ये बस सच है, मैंने मेरा चैनल बेच दिया है। अगर तुम्हें मेरा चैनल खरीदना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ पे बात करेंगे चैनल को लेके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सर आज वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं नारुतो उचिहा पार्ट 6, और इस वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ हैं आज एनिमे फॉर लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, गारा ली को मारने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, बट गारा ली को मार सके उसके पहले ही शिकमारू और नारुतो गारा को रोक देते हैं और ली को बचा लेते हैं। इसके बाद गारा और नारुतो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की फाइट कुछ देर चलने के बाद गाय सेंसे आके उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं। आज चुनल एग्जाम का थर्ड और लास्ट राउंड है और नारुतो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है, और नारुतो जैसे ही अरीना पहुँचता है वो सास को ढूंढने लगता है, बट नारुतो को सास के कहीं नहीं दिखता। और इसी बीच काजेकागे की एंट्री हो जाती है और थर्ड होकागे उन्हें वेलकम करते हैं। इसके बाद थर्ड होकागे की स्पीच देते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे चुनन एग्जाम का थर्ड और फाइनल राउंड देखना है। अब इन 8 कंटेस्टेंट्स के बीच मैचेस होंगे, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मैचेस को ध्यान से देखें और इन्जॉय करें। इसके बाद काजेकागे कहते हैं जैसा कि आपने कहा यहाँ पर 8 कंटेस्टेंट हैं, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ 7 ही दिख रहे हैं, एक और कहाँ है? और थर्ड होकागे इसे कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद गेनवा सेंसे सभी से कहते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चेंज हुआ है। साउंड निंजा जिसका नाम डोसू था उसने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया है, तो शिकमारू की फाइट तेमारी से होगी और बाकी सभी की फाइट सेम ही रहेगी इन सेम ऑर्डर, एंड रूल्स सेम ही रहेंगे कि कोई रूल्स नहीं है, बट मैं इस फाइट को कभी भी अपनी मर्जी से बीच में रोक सकता हूँ। सो फर्स्ट मैच है नारुतो उचिहा वर्सेस नेजी युगा के बीच, सो आप सभी जाकर वेटिंग एरिया में वेट करें अपनी बारी आने तक। और पूरी अरीना में सभी नारुतो और नेजी की ही बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा इस मैच को, क्योंकि दोनों ही इस विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के मेंबर हैं, सो ये देखने मजा आएगा कि इस मैच को कौन जीतता है। इसके बाद नेजी और नारुतो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेजी नारुतो से बोलता है क्या तुम मुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो उचिहा, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी उचिहा प्राइड और तुम्हें दोनों को ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद नारुतो नेजी से बोलता है मैं हिनाटो को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम्हें हराऊंगा, और ये तो मैच के एंड में ही पता चलेगा कि तुम मेरी उचिहा प्राइड को खत्म करते हो या फिर नहीं। इसके बाद नारुतो और नेजी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेजी अपनी बियाकुगन को एक्टिवेट कर लेता है और नारुतो अपने शेरिंगन को। नारुतो नेजी पर अपने फायरबॉल फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और उन फायरबॉल में से नारुतो के शैडो क्लोन बाहर आना शुरू हो जाते हैं और सभी नेजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और नेजी इसके लिए तैयार भी नहीं रहता, बट नेजी किसी तरह उन शैडो क्लोन्स को हराने में कामयाब हो जाता है। और नेजी नारुतो को कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है जो तुम अपने शैडो क्लोन मुझ पर लड़ने के लिए भेज रहे हो। ये सुनने के बाद नारुतो डायरेक्ट अटैक कर देता है नेजी पर, और नारुतो ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि नेजी टाइजुत्सु में एक्सपर्ट है और नारुतो को टाइजुत्सु इतना खास आता नहीं है। सो नारुतो अपने शेरिंगन से नेजी के हर मूव को देख पा रहा था और बड़े मुश्किल से ही वो अपने आप को बचा पा रहा था, और नारुतो अपने मन में सोचता है कि नेजी क्लोज रेंज में इतना स्ट्रांग है बट वो लॉन्ग रेंज में इतना स्ट्रांग नहीं है। सो नारुतो अपने 5 शेडो क्लोन्स को क्रिएट करता है और वो नेजी को हर तरफ से घेर लेता है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और ऊपर से भी, और वो सारे क्लोन्स नेजी पर हर तरफ से फायरबॉल जुत्सु का हमला करते हैं। और उसके बाद नारुतो सोचता है कि ये मैच वो आसानी से जीत गया है, बट नेजी उसी वक्त पे अपना 360 रोटेशन टेक्निक का यूज़ करता है और वो उस सारी फ्लेम्स को उसके शेडो क्लोन पे रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस पॉइंट पर नारुतो अपना काफ़ी सारा चक्रा यूज़ कर चुका होता है, और नेजी इसी मौके का फ़ायदा उठा के नारुतो पर जेंटल फिस्ट का यूज़ करता है और उसके सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है और नारुतो को ज़मीन पर गिरा देता है, एंड नेजी उसकी तरफ देख कर हंसता है और अरेना छोड़कर जाने लग जाता है ये सोच के कि नारुतो हार गया है। बट तभी नारुतो के बॉडी में से नाइन टेल्स का चक्रा लीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नारुतो खड़ा होता है और नेजी से बोलता है क्यों हिला डाला ना दत्ते भाइयों, और नारुतो अराउंड 20 शैडो क्लोन्स क्रिएट करता है और सभी क्लोन नेजी पर फायरबॉल जुत्सु यूज करते हैं। नेजी नारुतो से बोलता है फिर से फायरबॉल जुत्सु, इसका कोई फायदा नहीं है, और नेजी 360 रोटेशन का यूज करके फायरबॉल जुत्सु से बच जाता है। बट तभी नारुतो अपने इनकम्प्लीट चिदोरी के साथ उन फ्लेम्स में से निकलता है और नेजी को जोर से पंच मारता है और नेजी दूर जाके गिर जाता है, इसी वजह से नेजी का हेडबैंड निकल जाता है और नेजी के फोरहेड पर नारुतो वो एक्स मार्क देख लेता है। बट नारुतो को मैच जल्दी खत्म करना रहता है, तो नारुतो उसी वक्त फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है और वो फायरबॉल जुत्सु ऑलमोस्ट पूरा हाफ अरेना कवर कर लेता है। लिटरली वो फायरबॉल जुत्सु इतना बड़ा रहता है कि
जूनी लोग को ग्राउंड में एंट्री लेनी पड़ती है ताकि वो ऑडियंस को बचा सके एंड वो अर्थ स्टाइल एंड वाटर स्टाइल का यूज करके ऑडियंस को बचा लेते हैं। एंड उस फायरबॉल जुत्सु से नेजी को बचाने के लिए वहाँ पे गाय सेंसी को आना पड़ता है एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के कि एक गेनिन इतना स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल जुत्सु कैसे यूज कर सकता है। एंड नरूटो को इस मैच का विनर डिक्लेयर किया जाता है एंड इसके बाद नरूटो नेजी के पास जाता है और नेजी को कहता है, ये तो बहुत अच्छा मैच था, एक पल के लिए मुझे लगा ये मैच तो मैं हार ही जाऊंगा। और नरूटो आगे बढ़ते हुए नेजी से उसके एक्स मार्क के बारे में पूछता है एंड नेजी नरूटो को बताता है उसके डेस्टिनी और फेट के बारे में। और नेजी नरूटो को कहता है, नरूटो तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मुझे हरा दिया एंड थैंक यू मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि कोई भी अपनी डेस्टिनी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसके बाद होता है गारा और सास्के का मैच बट उस टाइम सास्के वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो उस मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है। एंड इसके बाद स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है लाइक शिनो वर्सेस कॉन्करू, टेमारी वर्सेस शिकामारू। अब सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और सास्के अभी भी नहीं आया है बट तभी एंट्री होती है सास्के एंड काकाशी सेंसी की। देन सास्के फाइटिंग अरेना का हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आधी फाइटिंग अरेना जल चुकी होती है। और जब सास्के को ये पता चल जाता है ये सब नरूटो ने किया है तब सास्के ये सोचता है जितने जल्दी वो गारा को हरेगा उतना जल्दी वो नरूटो से फाइट कर पाएगा क्योंकि सास्के को नरूटो के पावर्स को आजमाना है एंड उसके पावर्स को चेक करना है। सो बस ये एपिसोड यही तक था। मैं होप करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना एंड यार सुपर शिनोबी भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड यार आपका फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड यार वॉइस सुन के तो पहचान ही लिया होगा मैं हूँ आपका फ्रेंडली नेबरहुड एनिमे फॉर लाइफ। आप जाते जाते मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो एंड यार अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको भी सुपर शिनोबी भैया को मेरे चैनल पे देखना है तो यार जाके अभी चेकआउट कर लो चैनल क्योंकि थोड़े ही दिनों में मैं और सुपर शिनोबी भाई एक ऑसम वीडियो डालने वाले हैं तो आप उस वीडियो का टॉपिक गेस कर सकते हो। मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो टॉपिक बहुत ही फनी होने वाला है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यार मेरा पार्ट यही तक का था, आगे का पार्ट आपको सुपर शिनोबी भैया समझाएंगे। तो यार कहने के लिए कुछ बचा नहीं है पर तुम लॉन्डे के चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यार मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।